ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बिग थिंग सीजे। गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रियलमी यूआई फुल्ली ओरिजिनल थीम के बारे में। जो चेंजेस आपको रियलमी यूआई पे मिल रहे हैं वो सेम चेंजेस आपको इस थीम पर मिल जाएंगे। आप अगर इस थीम को यूज करोगे तो रियली बता रहा हूँ आप रियलमी यूआई को यूज कर रहे हो। तो ये जो थीम है ये आपको रियलमी यूआई का फर्स्ट एक्सपीरियंस देने वाला है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस थीम पर आपको क्या कुछ चेंजेस मिलने वाला है। तो इस थीम पर आपको रियलमी यूआई में जो जो चेंजेस मिल रहे हैं वो सेम चेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले रियलमी यूआई पे आपको चेंजेस मिल रहे हैं, तो यहां पर भी आपको जितने भी आइकन है वो सारे यहां पे आपको रियलमी यूआई के लुक में यहां पे आपको मिल जाती है। जितने भी आइकन है वो सारे सर्कल साइज में हैं एंड जितने भी आइकन है वो सारे हाइलाइटेड आइकन है। एंड इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चेंजेस मिल रहा है वो है नोटिफिकेशन पैनल पे। आपके नोटिफिकेशन पैनल पे जितने भी आइकन कलर है वो सारे यहां पे आपको सेम मिलने वाले हैं। पिछले वाली जो आपको अलग अलग कलर थी वो यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, सेम लुक आपको रियलमी यूआई की भी यहां पे आपको मिल जाती है। एंड इसके बाद जो आपको थर्ड चेंजेस मिल रहा है वो है आपके सेटिंग पे। सेटिंग के जितने भी आइकन है वो यहां पर रियलमी यूआई की तरह चेंज हो चुकी है। काफी अच्छे लुक यहाँ पे आपको मिल जाती है, काफी अच्छे यहाँ पे आइकन्स भी मिल जाते हैं आपको रियलमी के सेटिंग पे। एंड अगर बात करें इसके बाद आपको फोर चेंजेस क्या है तो वो है आपके फाइल मैनेजर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके फाइल मैनेजर पे फर्स्ट लुक यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से मिलने वाला है। एंड काफी अच्छा लुक यहाँ पे आपको मिल जाता है। जितने भी आइकन से यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं एंड जितने भी आपके फाइल्स है वो सारे उसकी लुक भी यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। एंड काफी अच्छा सा लुक यहाँ पे आपको मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर जितने भी फाइल्स के कलर्स थे वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज कर दिए गए हैं। तो ये सारे चेंजेस आपको इस थीम को अप्लाई करने के बाद मिल जाते हैं। रियलमी यूआई पे जो चेंजेस आपको मिल रहे हैं वो सेम चेंजेस आपको इस थीम पर मिल जाएगी। एंड रियली बता रहा हूँ इस थीम को यूज करने में आपको काफी स्मूथली एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आपको वीडियो पे दिखाई नहीं दे रहा होगा बट इस सिम को आप अगर यूज करोगे तो रियली बता रहा हूं काफी स्मूथली एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। एंड इस वीडियो में आपको 5 मिनट ट्रायल सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो चलिए आज की ये वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और हां इस वीडियो को क्लिक करना ना भूले। तो सबसे पहले आपको इस थीम को डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जाकर डायरेक्टली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोडिंग प्रोसेस नहीं पता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली जो है ये थीम आपको इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको इस थीम को डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फाइल मैनेजर पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको देखना है कि वो जो थीम है वो कौन से फाइल पे आई है। तो मैं क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड किया तो वो जो थीम है वो डाउनलोड पे ही आई होगी, तो मैं डाउनलोड पे चला गया। एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो थीम है ये अभी जिप पर है, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड ऐड करना है जो कि आपको स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है। आप लोग इस पासवर्ड को अच्छे से देखना, बार बार आप लोग कमेंट करते हो कि भाई पासवर्ड गलत है, तो आपको सेम पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है, नो गैप यहाँ पे आपको सारे स्मॉल पे डालना है। उसके बाद स्टार्ट टू डिकम्प्रेस एंड स्टार्ट टू डिकम्प्रेस पे क्लिक करना है तो ऊपर पे एक न्यू फाइल बन जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो जीप है वो थीम पर कन्वर्ट हो चुकी है, तो उस थीम पर आपको क्लिक करना है। एंड देन क्लिक करने के बाद नीचे पे आपको ट्रेनो का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ट्रेनो पे क्लिक करोगे तो फाइनली ये जो थीम है वो अप्लाई हो जाएगी। फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो थीम है ये हमारी अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें बार बार 5 मिनट ट्रायल एंड बाय नाउ का ऑप्शन आता है, तो उसे आपको कैसे हटाना है, सिंपली करना क्या होगा, आपको दो स्टेप करना है। पहले तो है आपको अपने थीम स्टोर के डाटाज को क्लियर कर देना है एंड देन क्लियर करने के बाद जो है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ पहले मैं अपने थीम के डाटाज को क्लियर कर देता हूँ, आपको भी सिंपली जो अपने थीम स्टोर के डाटाज को क्लियर कर देना है। एंड क्लियर करने के बाद आपको बैक आना है एंड बैक आने के बाद फिर से आपको अपने फाइल मैनेजर पर चला जाना है। एंड फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपको फोन स्टोरेज पे जाना है एंड ऊपर पे आपको एक कलर ओएस का फोल्डर मिल रहा होगा, उसे आपको सिंपली जो है डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको फिर से बैक आना है एंड बैक आने के बाद आपको रिसेंट टास्क को ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद आपको जो थीम वाला ऑप्शन है उसे आपको डायरेक्टली हटा देना है। हटाने के बाद आपको कोई भी 5 मिनट ट्रायल का ऑप्शन या फिर बाय नाउ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप जो ऐसे करके अपने परमानेंट थीम को यूज कर सकते हो। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और हाँ इस वीडियो को क्लिक करना ना भूले। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।